brought to you by Physics Wala. यूपी में अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, लेकिन अब इस बवाल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह डाली जिसके बाद सियासत क्या कॉरपोरेट जगत में खलबली मचना तय है। दरअसल कुछ दिनों से लोगों द्वारा ये कहा जा रहा था कि सरकार बजट बचाने के लिए अग्निवीर जैसी नीति लाई है जिससे कम समय में सेवा में ही लोगों को सेना में लेकर बजट को बचाया जा सके। लेकिन अब बजट के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 20 जून को ट्वीट पर अपनी लेखनी चला डाली। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अग्निपथ की नीति सरकार ने बनाई है, अतः सरकार व सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को आगे ना करें। अमीर उद्योगपतियों की आय की सुरक्षा से अधिक जरूरी है देश की सुरक्षा, इसलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है उसके लिए सरकार कॉरपोरेट पर अतिरिक्त कर लगाए, परंतु देश की सुरक्षा के साथ समझौता ना करे। अब तक जहां सपा सुप्रीमो सरकार पर अलग अलग तरह से हमला कर रहे थे, तो वहीं अब उद्योगपतियों को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि सरकार पर विपक्ष की तरफ से कई आरोपों में से ये आरोप भी लगाया जाता है कि सरकार कॉरपोरेट के लोगों को ज्यादा तवज्जो देती है और ये सरकार कॉरपोरेट की सरकार है। ऐसे में अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाने का प्रयास तो किया है, लेकिन अखिलेश यादव के इस ट्वीट की जहां कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं। बता दें कि अग्निपथ हो या महंगाई या फिर आंदोलन और प्रदर्शन, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी किसी भी मौके पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भी अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि भाजपा सोचती है कि लोग फौज में नौकरी करने जाते हैं, दरअसल युवा देश प्रेम के जज्बे से सेना में जाता है, लेकिन ये वो क्या जाने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तक में हिस्सा ना लिया हो। भाजपा सरकार देश को जय जवान जय किसान से रुष्ट जवान रुष्ट किसान के बुरे हालातों में ले आई है। फिलहाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रामपुर के साथ आजमगढ़ के उपचुनाव में जी जान से लगी हुई है। जहां रामपुर में आसिम राजा को सपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सपा अपनी ये दोनों सीटें बचा पाती है या फिर झटका खाती है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।